वीर की पतंगबाजी। इमली देखो मेरी पतंग ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ मजे से जाती है। लो तुम भी उड़ाओ। नहीं नहीं मेरे से नहीं उड़ेगी। अरे कोशिश तो करो। खींचो खींचो धागा ऊपर खींचो। मिस्टर चड्डा पता नहीं क्यों इतनी डेंजरस ड्राइविंग करते हैं। लो बच्चों ये खाओ तिल के लड्डू। तिल के लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भाई आज मकर संक्रांति है तो इसलिए मैंने खूब सारे तिल के लड्डू बनवाए हैं। जितने चाहो उतने खाओ। थैंक यू दादाजी। वीर पतंग छत पर उड़ाने से छत से नीचे गिरने का खतरा रहता है। हा? पतंग हमेशा जो है वो मैदान में जाकर उड़ानी चाहिए। हाँ ओके दादाजी हम मैदान में जाके पतंग उड़ाएंगे। वीर वीर मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। चलो मैदान में चल के उड़ाते हैं। नहीं मैं तो यहीं से उड़ाऊंगा। आज इन्हें रंगे हाथों पकड़वा कर ही रहूंगा। बिना धागे की पतंग कैसे उड़ाई? बिना धागे के कैसे उड़ाई? चिंटू देखो उसने फिर देख लिया। जादू करते समय ध्यान तो रखा करो। आज उसे पूरा जादू दिखाई देता हूँ। अरे चुलबुल ये लो धागा पतंग से बांधो। चुलबुल कैसे बांधेगा? पतंग तो आसमान में है। जाओ बंटी तुम भी जाओ चुलबुल का साथ दो। नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा। बच्चो चुलबुल तुम्हें टक्कर मार के गिरा देगा। जिंटू क्यों परेशान कर रहे हो उसे? जादू का मिसयूज करना अच्छी बात नहीं है। वो रोज रोज हम पे जासूसी करता है ये अच्छी बात नहीं है। आज उसे सबक सिखा के ही रहूँगा। पतंग में धागा तो है और चुलबुल तो छत पे खड़ा है। क्या हुआ आंटी? ये कह रहा था चुलबुल पतंग पे धागा बांधे आसमान में गया और ये भी धागे पे चल के आसमान पे गया। पता नहीं क्या क्या बक रहा था। आंटी वो छत पे सो रहा था उसने सपना देखा होगा। तुम भी ना टाइम बर्बाद करते हो मेरा। कान पकड़ो और मेरे साथ चलो। पतंग के धागे पर कोई चल सकता है भला? मम्मी मैं सच कह रहा हूँ। क्या हुआ इतना क्यों चिल्ला रहा है? तुम नीचे तो चल आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। प्लीज अपने जादू का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए फिर मत करना। ओके बॉस। मुन्नु शर्म नहीं आती? तुम मेरी पतंग लेकर घूम रहे हो। ये मेरी पतंग है मेरे पापा ने दी है। कैकी ये पतंग किसकी है? ये तो तुम्हारी है। लाओ इसे। वीर हमें मुन्नू की मदद करनी चाहिए। क्या हुआ मुन्नू तुम इतने उदास क्यों हो? मेरे पापा ने मुझे 10 पतंग दी थी सब बंटी ने छीन लिया। तुम चिंता मत करो मैं पतंग उड़ा के सबकी पतंग काट दूंगा और वो पतंग तुमको ला के दूंगा। सच वीर? सच मुझ आ मेरे साथ। तक दिना दिन दिन मैं हूँ जिन मैं हूँ जिन। अरे हमें मालूम है रे बाबा बार बार क्यों बताते हो।
बॉस क्या काम है बोलो। मैं यहाँ बंटी और उनके दोस्तों की पतंग काटूंगा और तुम उन कटी पतंगों की डोर मेरी डोर से बांध देना, ठीक है? फिर मैं वो पतंग नीचे खींच के ले आऊंगा और मुन्नू को दे दूंगा। वीर आओ, पेच लड़ाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी पतंग काटना इम्पॉसिबल है। दादाजी हमेशा कहते हैं थिंक पॉजिटिव, इम्पॉसिबल खुद पॉसिबल हो जाता है। अरे ये तो अपनी पतंग ही कट गई। वो काटा। ये कैसे हो गया? मेरी पतंग कटी थोड़ी ना थी, वो तो मैंने डोर ढीली छोड़ दी थी। है ना चुलबुल? वीर, बंटी ने अपने मांझे में कांच लगाया है, तुम उसकी पतंग नहीं काट सकते। जिंटू तुम मेरी डोर इतनी मजबूत कर दो कि कोई काट ना सके। ओके बॉस। वीर ने तो सारी पतंगे काट दी। उसने ये किया कैसे? मैं यहाँ आसमान में क्या कर रहा हूँ? खाना पीना जहाँ जहाँ, चिंटू भैया वहाँ वहाँ। वीर ओए मेरे यार, तू मुझे छोड़ के बाय एयर कहाँ जा रहा है? बताना तो था पहले। वीर उड़ गया। वो देखो, वीर पतंगों के साथ। अरे जिंटू काम बनाता कम बिगाड़ता ज्यादा है। वीर मैं आ रहा हूँ। परेशान हूँ, तुम और परेशान कर रहे हो। खुश खुश जा यहाँ से। सिस्टम स्टार्ट। हेलो दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमको ले जाऊंगा और अपने बच्चों को खिलाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। बहुत दिनों बाद इतना बड़ा शिकार मिला है। वीर कहाँ है? शुक्र है तुम्हें याद तो आ गया। वो देखो उधर आसमान में पतंगों के साथ उड़ गया है। जल्दी जाओ उसका पीछा करो। कभी आऊंगा तुम्हें पकड़ने। जिंटू इसकी नजर से दूर चलो, भागो। अंकल अपना काम करो ना, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे फौरन उन पतंगों के पास ले चलो जो कटी हुई थी और मेरी पतंग से जुड़ी हुई है। ये लो जी। वो रहा वीर। ये मेरी पतंग है। ठीक तो
तो हो ना वीर? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुन्नू के लिए पतंग नहीं ला सका। वीर, आज मकर संक्रांति के दिन मैंने कहा था कि जो सबसे ज्यादा पतंग काटेगा मैं उसे 50 पतंग इनाम में दूंगा। ये लो तुम्हारी 50 पतंगे। थैंक यू अंकल। मुन्नू ये लो, ये सब तुम रख लो। थैंक यू वीर, तुम बहुत अच्छे हो। और बंटी, अगर तुमने इसकी पतंग छीनी तो देखना। सचमुच वीर, तुम जैसा नेक बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। मैं हूँ ना, मैं बंटी जैसे अच्छे बच्चे को एक इनाम देना चाहता हूँ। इनाम दो, दो जल्दी जल्दी तुम दे दो। मैं इस वीर को कैसे खत्म करूं? समझ नहीं आ रहा। बॉस, उसे खत्म करते करते आप खुद खत्म मत हो जाना। शट अप, तुम मेरी साइड हो या उसकी साइड? वो तो कोई यूएफओ है, जल्दी चलो। एलियन तो होश में नहीं है। ये डायमंड कैसा है? शिप को पावर देता है। जब तक ये मेरे पास है, हम इस स्टार एलियन को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मैं वीर को खत्म करवाऊंगा। बॉस बॉस, होश को स्टार आ गया। मेरा मतलब है एलियन स्टार को होश आ गया। बॉस, क्या बकवास कर रहे हो? हेलो, क्या तुम हमारी भाषा समझते हो? ये क्या बोल रहा है? ज़ाय-ज़ी-कू-ज़ेक-ज़ी-ज़ा-कू-पू। वो ये बोल रहा है बॉस। मेरा स्पेसशिप का एक्सीडेंट हो गया है। अरे, मेरा पावर डायमंड कहाँ है? वो वीर नाम का एक खराब लड़का ले गया है। हमने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, ये पावर डायमंड मत ले जाओ, ये आपका है, लेकिन वो नहीं माना। उसके बिना मेरा शिप नहीं चलेगा, मैं वापस कैसे जाऊंगा? तुम्हें वीर को खत्म करना होगा। उसे खत्म करके ही तुम वो डायमंड पा सकते हो। वीर बहुत खराब और खतरनाक है, तुम्हें होशियार रहना होगा। वीर कहाँ है? मैं उससे लड़ूंगा। तुम लोग एक मिनट बाहर जाओ, मुझे युद्ध की तैयारी करनी है। मैं जाता हूँ वीर की मदद के लिए। दादाजी, जल्दी चलिए। रोबो बॉय सूट ऑन।
सुंदर सुंदर स्टार मैं इन्हें कलेक्ट करके घर ले जाऊंगा। स्पेसशिप भी होगा, चलो वहाँ कुछ पता चलेगा कि ये क्या चाहता है और क्यों लड़ रहा है। अब वीर नहीं बचेगा। मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। और फिर ये स्टार ही मेरी पावर होगा। एलियन स्पेसशिप, इसके अंदर चलने से ही कुछ जानकारी मिल सकती है। इमली, हमारे अंदर भी स्टार पावर्स आ गई हैं। चलो वीर की मदद करते हैं। लेकर आए हो लेकिन कोई नहीं बचेगा। खींच लूंगा, हम आपस में मिलकर बात कर सकते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तुम लोग अच्छे लोग हो, फिर मेरा पावर डायमंड क्यों लेकर आ गए? वो वापस कर दो, मैं चला जाऊंगा, उसके बिना मेरा स्पेसशिप चल नहीं सकता। पावर डायमंड? कौन सा पावर डायमंड? मेरे पास तुम्हारा कोई डायमंड नहीं है। ग्रीन कलर का स्टार पावर डायमंड है जो तुमने लिया है, और तुम सब लोग मुझे मिलकर मार भी रहे हो। नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे मैड मैक्स ने बताया कि तुम्हारे पास है डायमंड, तो इसलिए तुम मुझे मार रहे थे। लेकिन उसने तुम्हें झूठ कहा है, मेरे पास तुम्हारा डायमंड नहीं है। जरूर मैड मैक्स के पास तुम्हारा डायमंड होगा। अब मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं किसी से लड़ सकूं। दोस्त, तुम्हारा डायमंड मैं तुम्हें ला कर देता हूँ। लो ये स्पेसशिप कहीं ले जाकर छुपा देते हैं। वो देखो, मेरा स्टार डायमंड मैड मैक्स के पास ही है। तुम सही थे। मैड मैक्स, स्टार एलियन का डायमंड दे दो।
ट्विंकल ट्विंकल माय लिटिल स्टार, आई हैव डायमंड एंड पावर यार। अब अबव द वर्ल्ड सो हाई, नाउ यू विल फ्लाई इन द स्काई। मुझे भी ले चलो बॉस। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम लोगों से लड़ने के लिए माफी चाहता हूँ। बाय, फिर मिलेंगे। बाय। को खत्म कर पाया हूँ और ना ही उसको बनाने का फॉर्मूला ढूंढ पाया। बॉस बॉस, आपको वीर की क्या जरूरत है? आपके पास मेरे जैसा काबिल इंसान है जो सब कुछ कर सकता है। अगर तुम सब कुछ कर सकते हो तो जाओ और डॉक्टर प्रेम साहब के घर से वीर को बनाने का फॉर्मूला चोरी करके ले आओ। वो फॉर्मूला किसी न किसी हार्ड डिस्क में जरूर होगा। जाओ टिम्बकटू, डॉक्टर प्रेम सहाय के घर से वो हार्ड डिस्क लेकर आओ। लेकिन उनके घर से मैं कैसे चुराऊंगा? ये लेकर जाओ और कहना तुम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से हो जो मच्छरों को मारने के लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे करेगा। उन्हें कुछ देर के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। और हाँ, अगर डॉक्टर प्रेम सहाय घर के बाहर नहीं गए तो उन पर ये स्प्रे कर देना, इससे वो बेहोश हो जाएंगे और तुम हार्ड डिस्क लेकर आ जाना। बॉस, you're genius, बॉस। टिम्बकटू, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बॉस, सिलेंडर में स्मोक है भी या नहीं? टिम्बकटू, बंद कर दो इसे, बंद कर दो। अरे तुमने तो अभी से गलती शुरू कर दी। डॉक्टर प्रेम सहाय का सीक्रेट लैब होना चाहिए। एक्सरे विजन से देखता हूँ।
दादाजी आप ठीक है ना? क्या हुआ था? हाँ वीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, लैब का दरवाजा तो खुला है। दादाजी, हार्ड डिस्क तो चोरी हो गई है। वीर, हार्ड डिस्क में एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे हमें उसकी लोकेशन की जानकारी मिल सकती है। जल्दी से स्पेसशिप में बैठ जाओ। हमें जल्दी से उस डायरेक्शन में ट्रेन का पीछा करना चाहिए। हार्ड ड्राइव लेकर बहुत दूर निकल जाएंगे। बॉस बॉस, वीर अपनी स्पेसशिप से हमारा पीछा कर रहा है। टिम्बक्तु, अपने रोबोट से वीर की स्पेसशिप पर अटैक करो। Boy suit on. Thank you.
वापस आ गया।